हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे सोना BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ था लगभग 759.95 पे, हाई गया था 768.50 पे एंड लो गया था 725.05 पे। ये एक ऐसा कंपनी है जिसको फिनस्टार ने 5 out of 5 का रेटिंग दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो आपका है 42,616.84 करोड़ और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 309.65 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.25। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 1 से कम ही है। इस कंपनी में आपका प्रमोटर्स का होल्डिंग है 67.3%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है कि ये जो आपका 67.3% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ इस शेयर में इस साल में हुआ है 42.41%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 15.96% जो कि अच्छा है। ROCE आपका है 17.37% जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में इस साल में हुआ है 123.65% जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग शेयर है, इसीलिए फिनस्टार ने इस शेयर को आपका 5 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग चले जाएंगे चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि कोई भी शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए अभी सीधा आ जाता है चार्ट पे। तो ये शेयर इसी साल का जून महीने में चल रहा था लगभग आपका 359-360 पकड़ लीजिए और अभी चल रहा है आपका 760 के करीब। मतलब हम लोगों को यहां से अगर देखेंगे तो जून महीने से क्लियरली अप ट्रेंड ही दिखेगा। अभी हम लोग सीधे चला जाते हैं इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए इस जगह पे एक बार मैंने कर्सर को लेके आता हूं इस जगह पे, ठीक है एक मिनट वेट कीजिए। तो अभी देखिए इस जगह पे आपका एक आपका दिन था, ये आपका था 10 नवंबर, ये आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था। देने के बाद ये शेयर ऊपर की तरफ भी जा रहा है और लास्ट दिन भी यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अभी और एक चीज देखने लायक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक पर्पल कलर का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। जब तक इस लाइन को तोड़ नहीं पाएगा ये शेयर नीचे नहीं जाएगा टेक्निकली, मुझे जो लगता है। क्योंकि देखिए इस जगह पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर से और इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से अभी ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, अगर RSI देखेंगे तो अबव 60 और MACD भी देखेंगे तो 0 पॉइंट से ऊपर है और लगातार 3 दिन से यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और आज के डेट में ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये आपका 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी देखिए स्क्रीन पे मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से देखेंगे ये आपका था जून का महीना, यहाँ से लेके ये शेयर कॉन्टिन्यूअसली आपका अप ट्रेंड में है। मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया, देखिए कभी भी कितने बार कोशिश किया लेकिन इस लाइन को ब्रेक कर नहीं पाया और फिर से देखिए इस लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करके इस वीक में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, जो कि बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग साइन है ये शेयर ऊपर जाने के लिए। RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और वीकली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली आपका पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो मतलब क्या वीकली चार्ट में ये शेयर वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मंथली चार्ट क्या है, तो देखिए ये लाइन को एक बार डिलीट कर देता हूं, इस ये लाइन आपके मंथली चार्ट में अप्लाई नहीं होगा। देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगातार हर महीने ये शेयर उसका जो पिछले महीना है
उससे ऊपर ही क्लोज करते जा रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल फॉर्म करते जा रहा है। मतलब एक तो फंडामेंटली ऐसा बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए आपका फिनस्टार ने इसको 5 out of 5 का रेटिंग दिया है। डेली चार्ट में भी हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है, वीकली चार्ट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है और मंथली चार्ट में तो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है। तो मुझे जो लगता है इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 760 पकड़ लीजिए, इसी प्राइस में अगर इस शेयर को खरीदा जाए तो ये शेयर बहुत जल्दी, मतलब अगर आप लोगों का नजरिया 6-7 महीने का है तो उसके अंदर, हो सकता है उससे पहले, लेकिन उसके अंदर मुझे जो लगता है कि ये शेयर आपका 940 का टारगेट अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।